The best way to find yourself is to lose yourself in the services of others. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्जवल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्रिहेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो दोस्तों, एक चीज हमारे इंडिया में जो बहुत पहले से चली आ रही है वो क्या है पता है आपको? वो है करप्शन। तो अब इसको टैकल करने के लिए हमने क्या क्या किया? तो सबसे पहले हम लाए थे द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। अब उस एक्ट को कर दिया हमने रिपील। क्यों रिपील किया भाई? रिपील इसलिए किया ना क्योंकि जो उसमें पब्लिक सर्वेंट का जो डेफिनेशन दे रखा था वो काफी नैरो था और सीधा सीधा ये बोलता था कि कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के अंदर फॉल करता है ना, वो हो गया आपका क्या? पब्लिक सर्वेंट। अब उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब उसमें क्या ऐसा अलग हुआ? उसमें बेसिकली क्या किया गया, पब्लिक ड्यूटी और पब्लिक सर्वेंट का जो डेफिनेशन है ना उसको बहुत ब्रॉड वे में एक डिफाइन कर दिया कि भाई अच्छा खासा इसका स्कोप जो था ना, या एम्बिट कह सकें, उसको बहुत अच्छा खासा बढ़ा दिया। और इसका पब्लिक सर्वेंट का जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे दे दिया? वो बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। तो अब दोस्तों, जब पब्लिक सर्वेंट पे जाने से पहले हमें ये जरूर जानना होगा कि पब्लिक ड्यूटी क्या होती है। तो पब्लिक ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है कि कोई भी ऐसी ड्यूटी जिसके डिस्चार्ज करने में किसी स्टेट या किसी कम्युनिटी का लार्जर इंटरेस्ट हो। मतलब कोई भी ऐसी ड्यूटी, कोई एक पर्टिकुलर इंसान उसको डिस्चार्ज करता हो तो उस डिस्चार्ज करने से स्टेट या फिर जो कम्युनिटी है उसका लार्जर इंटरेस्ट हो उसमें, तो वो हो जाता है क्या? वो हो जाता है पब्लिक ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे मेन डेफिनेशन पे, वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट क्या बोलता है ना, पब्लिक सर्वेंट के लिए ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस डेफिनेशन के 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके अंदर 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, 12 सब क्लॉजेस दे रखे हैं बेसिकली, उसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति फॉल करेगा ना, वो व्यक्ति हो जाएगा क्या? पब्लिक सर्वेंट। तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला ये होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट के सर्विस में हो, या तो फिर गवर्नमेंट उसको फीस या कमीशन के थ्रू रेम्यूनरेट करती है, किसलिए करती है? ताकि वो अपना ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सके। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि लोकल अथॉरिटी के सर्विस में हो। तीसरा ऐसा क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी कॉरपोरेशन में हो जिसको किसी सेंट्रल या प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया हो। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जज हो, या तो फिर उसके पास ऐसा पावर हो जिससे थ्रू वो एडजुडिकेटरी फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके। जी हाँ दोस्तों, एडजुडिकेटरी फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? नेक्स्ट बोलते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपॉइंट कर रखा हो किसी एक ऐसे मैटर के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड हो। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा हो किस चीज के रिगार्डिंग, कोई भी ऐसे मैटर के लिए जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व होता हो। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट सब क्लॉज है वो बोलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एक आर्बिट्रेटर हो और किसी कोर्ट ने या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसे केस रेफर कर रखा है। किसलिए कर रखा है केस रेफर? ताकि उस पर रिपोर्ट बना सके या तो फिर डिसीजन दे सके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, नेक्स्ट सब क्लॉज क्या बात करता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास पावर हो, किस चीज का पावर हो, कि वो पब्लिश कर सके कोई इलेक्ट्रोल रोल को, प्रिपेयर कर सके, मेंटेन कर सके या रिवाइज कर सके। किस चीज को? इलेक्ट्रोल रोल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। या तो फिर किसी पार्ट में इलेक्शन करा सके, कोई भी, चाहे वो पार्टली हो या पूरा होली, कहीं पे भी इलेक्शन करा सके। अब नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका ऑफिस, जो ऑफिस वो होल्ड कर रहा है, उसे इंपावर करे। किस चीज के लिए इंपावर करे? ताकि वो एक पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सके। नेक्स्ट बात करता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन हो, मेंबर हो, और वो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी किस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए? एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रियल से, ट्रेड या बैंकिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। और उसको फाइनेंस कौन करता हो? उसको फाइनेंस करता हो कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन जिस जो कि एस्टैब्लिश हुआ हो सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के थ्रू, या तो कोई भी ऐसी बॉडी जो कि कंट्रोल कौन करती हो, कंट्रोल एड करती हो कौन? गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसी बॉडी जिसको कंट्रोल एड करती हो कौन? गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो या मेंबर हो, या कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि किसी सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट हो,
जो भी किसी भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हो, और उस कमेटी को किसने फॉर्म कर रखा हो, उस कमेटी को फॉर्म कर रखा हो जो ऊपर सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि वाइस चांसलर हो या किसी भी गवर्निंग बॉडी का मेंबर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो सकता है, रीडर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, या टीचर भी ले सकता है या एम्प्लॉय भी हो सकता है, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में अपॉइंटेड हो, या तो फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको यूनिवर्सिटी ने अवेल करा रखा हो किस चीज के लिए, ताकि वो इंसान एग्जामिनेशंस कंडक्ट करा सके, ठीक है दोस्तों। अपना जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट सब क्लॉज है, वो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ऑफिस बेरर हो, किस चीज का, किसी भी एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको जिसको फाइनेंशियल एड कहां से मिलती हो, उसको मिलती हो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, या कोई भी ऐसे लोकल या पब्लिक अथॉरिटी से। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।